हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एमएस वर्ड का यूज़ करके कोलाज कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ से पहले कुछ कोलाज क्रिएट किए हैं। यहाँ से आप उसकी एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे कोलाज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सेम पिक्चर का बनाया है और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स चेंज किए हैं और उसका बैकग्राउंड भी चेंज किया है। अब ये सारी प्रोसेस क्रिएट करके हम इसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके ये सारी प्रोसेस करने के लिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया पेज लूँगा। इस पेज की लेआउट मेरी फ़िलहाल पोर्ट्रेट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप लेआउट में जाएंगे, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करेंगे लैंडस्केप। ये देखिए, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल, लैंडस्केप मीन्स हॉरिजॉन्टल। इसका मैं साइज़ यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। पेज कलर पे जाएंगे, जो भी आपको कलर वगैरह ठीक लगता है वो आप ले लीजिए। देन आप देखिए, यहाँ पर मुझे पिक्चर्स इंसर्ट करके कोलाज क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट टाइप का। इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा। यहाँ पर फिलहाल डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है, दिस वन। यहाँ से मैं डिफरेंट पिक्चर्स इंसर्ट करूँगा। सो फिलहाल दिस पिक्चर को मैंने इंसर्ट किया। डबल क्लिक करूँगा, टेक्स्ट टाइपिंग में जाऊँगा जो कि मेरी फॉर्मेट टैब में अवेलेबल है। यहाँ से मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से इसका साइज़ मैं सेट कर लूँगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए। इसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी, अभी से पेस्ट। इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगा, अगेन कॉपी पेस्ट। इसको थोड़ा यहाँ से इस साइड रख लेते हैं, सो डैट मेरा उस साइड मार्जिन सेट हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए। थोड़ा थोड़ा इसको मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, थोड़ा और कर लेते हैं। आप मल्टीपल सिलेक्शन के लिए पिक्चर्स की कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं। इसको जूम करके देखते हैं, फिलहाल ठीक है। अब मुझे इसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो उसके लिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा। तीनों को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देन उन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, अभी से पेस्ट। देन इसको मैं नीचे इंसर्ट कर दूंगा, दिस वन। अगेन इसी को कॉपी पेस्ट, अगेन जो मैंने कॉपी पेस्ट किया इनको नीचे मूव करूंगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा। मैंने ऐसे आप और भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यही पिक्चर्स ली है, फिलहाल ये तो मेरी सेम पिक्चर है। अब मैं इनमें डिफरेंट पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पिक्चर पर मैं क्लिक करूँगा, बिकॉज पहली पिक्चर तो मुझे चाहिए, उस पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए आ रहा है चेंज पिक्चर, फ्रॉम फाइल पर जाएंगे, यहाँ से मैं और पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा, दिस वन। अगेन मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, चेंज पिक्चर फ्रॉम फाइल, यहाँ पर मैंने दिस वन ले ली। अगेन राइट क्लिक, चेंज पिक्चर फ्रॉम फाइल, दिस वन ले ली, राइट क्लिक, यहाँ से मैं मल्टीपल पिक्चर्स लूंगा। फिलहाल सारी पिक्चर्स ले लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एल्बम वगैरह की आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स वगैरह का कोलाज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या कोई आपने कार्ड वगैरह डिज़ाइन किया है, या कोई न्यू ईयर का कार्ड, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स की यहाँ लेकर आप कोलाज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने 9 पिक्चर्स का यूज़ किया। पिक्चर्स का साइज़ और भी रिड्यूस करके ज़्यादा भी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने कोलाज तो क्रिएट कर लिया, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस का यूज़ करूँगा, जहाँ पे F12 फंक्शन की का भी यूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फाइल का और इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर दिया। अब देखिए, ये जो मेरी फाइल है, ये है मेरी वर्ड फाइल। लेकिन अगर मैंने किसी को सेंड करना है तो मुझे JPG फाइल की ज़रूरत होगी, बिकॉज अगर मैं इसको वर्ड फॉर्मेट में सेंड करूँगा तो उसके पास भी जो सेलफोन है या उसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, उसमें ऑफिस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो मैं इसको पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए मैं दो टूल्स का यूज़ करूँगा। पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, जो कि आप कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट डाउन कॉर्नर पर विंडो कीज़ है, विंडो की उसको प्रेस करेंगे, देन प्रिंट स्क्रीन। ये देखिए, इसका मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। सेकेंड आप यूज़ करेंगे स्निपिंग टूल का। यहाँ पर फिलहाल आप विंडो के सर्च करेंगे, स्निपिंग टूल देखिए टॉप पर आ गया, इसको कर लीजिए क्लिक। देन आफ्टर डैट इसको न्यू कर लीजिए। ये आपसे एरिया मांगेगा, कितना आपने एरिया स्निप करना है। सो फिलहाल यहाँ मैंने इतना एरिया स्निप कर लिया, देन ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरा इसका स्क्रीनशॉट आ गया, तो इसको मैं यहाँ से फाइल में जाकर सेव करूँगा JPG फॉर्मेट में। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर का फॉर्मेट ले सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया, ये देखिए सेव हो गया। देन इसको फाइल को मैं दोनों को क्लोज़ कर लिया। नाउ अब देखिए,
जो मैंने फाइल का स्नैपशॉट लिया था वो मैं जो मेरा दिस पीसी माई कंप्यूटर उस पर डबल क्लिक करूंगा। साइड्स पर देखिए ये मेरा पिक्चर्स मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट जो फोल्डर है मेरा ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें देखिए लास्ट पेज मेरा अवेलेबल है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद करूंगा विद फोटोज़। और भी उसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे आप अपनी फ़ोटो की एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। देन जब आप फोटोज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ जो मेरा विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मैनेजर है वो ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ओपन हो गया, फिलहाल थोड़ी प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पर देखिए टॉप पर शो कर रहा है एडिट एंड क्रिएट, इस पर क्लिक करूंगा मैं। ये देखिए इसमें डिफरेंट टूल्स है, क्रॉप का ऑप्शन इस फर्स्ट टूल में है, क्लिक कर दूंगा। अदरवाइज आप कंट्रोल ई का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप पर आ रहा है क्रॉप एंड रोटेट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, या जो यहाँ पर मेरा दिए गए हैं हैंडल्स राउंड राउंड, यहाँ से भी एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने दिस वन। देन इसको मैं यहाँ से डन कर दूंगा। इसको आप सेव एज भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, सेव एज कॉपी मीन टू से उसके एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो ये देखिए जो मैंने क्लास क्रिएट किया, ये मेरा क्लास क्रिएट हो गया। आप किसी भी पर्सन को इसको सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर इसको अपलोड कर सकते हैं, और भी जो आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उस पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने क्लास क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ स्निपिंग टूल, ये वो क्लास है। सो ऐसे इस टूल को यूज़ करके, एमएस वर्ड के टूल्स को यूज़ करके ये ट्राई कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।